हेलो त्रिकोण मित्र अन्य एक आलोचना बर्तमान सुधा आम कौन शिखि सारे जदि आम गोटे समकोणी त्रिभुज नवा एवं से समकोणी त्रिभुजर जेकोसी कोण को जदि आम थीटा रे नामकरण करवा तार सम्मुखीन बाहु आम पी कहे जहाँ हूँ यह हूँ लंब बा सम्मुखीन बाहु जमीक आम जदि ए बी सी नामकरण करवा तेज ए बी सी हूँ यार संलग्न बाहु एवं एसी हूँ यार कर्ण या विषय आम शिखि सारे एवं यनोटी बाहू मध्य छटी अनुपात संभव एवं से छटी अनुपात को आम छटी ना भी दे सारे जमीक प्रथम साइन थीटा कॉस थीटा टैन कॉसेक सेक आउ कॉट आम जाने कि जी कौन से कोण को थीटा निया जाए तो केमी यही अनुपात को आम हिसाब कर पारिबा एवं यही सब थ्रु आम हम गत क्लास रे भी जाणि सारे जदि आम साइन थीटा कॉसेक थीटा केमी रिलेटेड जमीक कॉसेक थीटा रो साइन थीटा केमी बाहर करपरिया कॉस थीटा रो सेक थीटा केमी बाहर करपरिया जमी कॉस थीटा होची 1 बाय सेक थीटा जमीक ए विषय भी आम जानचे टैन आउ कॉट भितर कौन रिलेशनशिप टैन थीटा होची 1 बाय कॉट थीटा ओके तबे अन्य तीनटा भी अन्य रिलेशनशिप भी आम जानचे एक्सक्यूज मी जोटा कि पाइथागोरस नियम रु आम बाहर करले साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा होची 1 ओके सेक्स स्क्वेयर थीटा माइनस टैन स्क्वेयर थीटा होची 1 आउ गोटे हूँ कॉसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा होची 1 आ गोटे संपर्क होची जदि आम साइन थीटा जानचे आ कॉस थीटा जानचे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होची टेन थीटा तेरे इति विषय आम बर्तमान सुधा शिखि सारे आज शिखा ये विभिन्न कोण जगार अनुपात आम मान ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आम केमी बाहर करदी बाहूर दैर्घ्य मुझे जना तेज आम केमी बाहर कर प्रथम आम गोटे समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज नवा जमीक प्रथम त्रिभुज हो ए बी सी कोण हूँ बी जहाँ हूँ 90 डिग्री बर्तमान आर दैर्घ्य जदि आम 1 यूनिट नवा 1 यूनिट मान 1 सेंटीमीटर वा 1 मीटर जहाँ भी हो इतने कौन ए बी और बी सी सामान यह हूँ गोटे समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज आम जानचे कि से क्षेत्र में अन्य दुटी कोण 45 डिग्री हे एवं जदि आम कोण सी को थीटा नवा कोण सी को थीटा नवा एवं आम एक क्षेत्र जदि आम प्रथम साइन थीटा बाहर करवा साइन थीटा जहाँ हूँ थीटार वैल्यू बा मान हूँ 45 तो साइन 45 आम जानचे कि थीटार जी कोण को आम थीटा ने तेज साइन थीटा हूँ थीटार सम्मुखीन बाहूर दैर्घ्य कर्णर दैर्घ्य सो एक क्षेत्र हूँ ए बी पाई एसी जहाँ हूँ तेज एसी दैर्घ्य के एसी हूँ यार कर्ण जो पाइथागोरस नियम अनुसार ताब 1 रो स्क्वायर प्लस 1 रो स्क्वायर जहाँ हूँ रूट 2 तो एक क्षेत्र में ए बी है 1 एवं एसी है रूट 2 एवं साइन 45 आम बाहर कले 1 बाय रूट 2 तेज तुम जी भाव कि यह केवल यही त्रिभुज उपयोगी ता नुह जेहेतु आम प्रथम पढ़ी सारे कि यही अनुपात गुड़िक केवल कोण उपर निर्भर करे तेबे जेकोसी क्षेत्र में भी जो आम 45 डिग्री पाइबा तेज साइन 45 डिग्री सब 1 बाय रूट 2 हम आम यही सब संपर्क व्यवहार करके थे आम जब साइन 45 पाईगले आम एथरु साइन थीटारु एथरु आम कॉसेक थीटा बाहर करपरिया पुणी जदि आम साइन थीटा जानचे ये संपर्क आम कॉस स्क्वायर थीटा बाहर कर पारिया से कॉस थीटा बाहर कर पारिया आउ साइन आउ कॉस जानला परे आम टैन थीटा बाहर कर पारिया ते मु कह अर्थ हो कौन जदि आम गोटे अनुपात जान देले से अन्य पांच दि अनुपात भी आम बाहर कर पारिया सेमती बर्तमान जानले आम 45 डिग्री पाए तेबे देखिबा ए द्वितीय त्रिभुज रे माने कर इथि हला त्रिभुज ए बी आउ सी यहाँ आम गोटे समबाहु त्रिभुज हिसाब से नवा समबाहु त्रिभुज
माने यार तीनोटी बाहु समान तो प्रत्येक कोण हम 60 डिग्री 60 डिग्री एवं जदि वर्तमान नाम कहूँ कह ये क्षेत्र में कि गोटे कोण 90 डिग्री हवा दरकार गोटे समकोण त्रिभुज हो सारापर आम अन्य गुड़े कोण को अगर जेको कोण को आम थीटा नहीं पार ते बर्तमान यहाँ गोटे समकोण त्रिभुज नुह जोबले आम यू गोटे लंबंकन करवा बर्तमान ए डी हूँ लंब एवं ये त्रिभुज को मुझे पुणि थे चित्र अंकन करी ए डी सी हूँ गोटे समकोण त्रिभुज ये कोणटा हम 60 डिग्री एवं आम जानचे कि जो आम लंब अंकन कर कोण ए को दुभाग विभक्त कर तो यह हम 30 डिग्री जदि आम समबाहु त्रिभुज टी नवा प्रत्येक बाहु दैर्घ्य प्रथम दुई यूनिट थी दुई यूनिट माने जेको दुई सेंटीमीटर दुई मीटर जेको दैर्घ्य दुई यूनिट थी बर्तमान ये त्रिभुज कौन हम एसी तो सामान अच्छी दुई यूनिट बर्तमान ये लंब बीसी को दी बार व्यक्त कर यह गोटे यूनिट बा एकक एवं एडी दैर्घ्य आम कम हिसाब कर पार्बा से ही पाइथागोरस नियम व्यवहार कर एडी हूँ एसी वर्ग माइनस सीडी वर्गर स्क्वायर रूट माने एक क्षेत्र हूँ बर्तमान एसी हूँ 4 माइनस 1 स्क्वायर रूट यह हूँ वर्ग 3 तेबे बर्तमान ए त्रिभुजर आम कौन जानचे तीनोटी बाहुर दैर्घ्य जानचे एवं सब कोण भी जानचे जदि जदि आम सैन जदि 60 बाहर करवा माने एक क्षेत्र में थीटा हूँ आम 60 जदि यही कोण को आम थीटा ने तेरे थीटार सम्मुखीन बाहु होगा एडी कर्ण होगा एसी एवं एडी दैर्घ्य के रूट थ्रू रूट थ्री एवं एसी हूँ 2 तेरे सैन 60 है आमर रूट 3 बै 2 पुणी आम जमी कथा होते यही सब संपर्क व्यवहार कर अगर पांचटी लाइक कस टैन सेक कसेक कट भी आम बाहर कर तेरे ये गोटे मुझे तो गोटे टेबल देखा जो थी कि आम बर्तन बाहर कले कौन जमीक 45 डिग्री पर सैन है 1 बै रुट 2 ओके और 60 डिग्री पर बर्तमान रुट 3 बै 2 ओके आम बर्तमान 60 डिग्री पर बाहर कले रुट 3 बै 2 जदि आम 30 डिग्री पर बाहर करवा तो कमी ये कोण को आम थीटा नवा मान ये कोण बर्तमान ये कोण को आम थीटा नवा एवं से केसरे सैन 30 डिग्री होमर बर्तमान जब आपको थीटा निया जाए तो सम्मुखीन बाहु कौन हम सी डी तो ताब सी डी विभक्त कर्ण सामान रसी जहा हम सी डी बै बर्तमान सी डी दैर्घ्य केते गोटे यूनिट एवं एसी हूँ बर्तमान दुई यूनिट सो 1 बै 2 जहा एक जेहेतु यह गोटे अनुपात यार किसी एकक न थाए तो 1 बै 2 या गोटे जस्ट गोटे संख्या तेरे बर्तमान देखले कि ये कोण ए को आम जो थीटा नहीं हूँ कोण एंगल ए एंगल बी ए भी कहीपर या थीटा अल्फा बीटा कोण को एमती भी आम नामकरण करमती बर्तमान जी कह अच्छा साइन बाहर कलापर आम कस किन बाहर कर मन कर कस 30 डिग्री कस 30 डिग्री आम किन बाहर करें जानचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हूँ 1 जो थी को आम लिख पार कॉस थीटा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कि नहीं प्रथम मुझे साइन स्क्वायर थीटा को एपर नहीं आसली तप तार वर्ग बाहर कली तेरे ये हूँ 1 माइनस थीटा हूँ 30 डिग्री साइन स्क्वायर थीटा साइन 30 डिग्री हूँ बर्तमान 1 बै 2 तेरे मुझे नेली 1 बै 2 र स्क्वायर बर्तमान यह 1 माइनस 1 बै 4 जहाँ आम जी कर 3 बै 4 स्क्वायर रूट जहाँकि रूट 3 बै 2 तब देखियो यह रूट 3 बै 2 आउ गोटे जिनस तुम्हें अनुधान करें साइन 60 बाहर कले जहाँ रूट 3 बै 2 बर्तमान कॉस 30 बाहर कले जहाँ भी रूट 3 बै 2 तेरे साइन 30 इज इक्वल्स टू कॉस 60 कॉस 30 इज इक्वल्स टू साइन 60 ता कहीं है
ତାହା କେବଳ ଗୋଟେ କଇନ୍ସିଡେନ୍ସ କିମ୍ବା ଏହା ସବୁବେଳେ ସମାନ ତାହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଶିଖିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ସାଇନ୍ 45 କସ୍ 45 ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସମାନ ରହୁଛି, ସାଇନ୍ 45 ବି 1 ବାଇ ରୁଟ୍ 2, କସ୍ 45 ବି 1 ବାଇ ରୁଟ୍ 2। ତେବେ ସେମିତି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଟ୍ୟାନ୍ କସ୍ ଏକ୍ସ ସେକ୍ସ ସବୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ କି ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ କୋଣ ଜଣା ଅଛି ତ ସେଥିରୁ ଆମେ କେମିତି ସେ ସାଇନ୍ କସ୍ ଏକ୍ସ ସେ ଅନୁପାତକୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏହା କେବଳ ସେଇ 30, 45 ବା 60 ସେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ନୁହଁ, ପ୍ରାୟ ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ସାଇନ୍ କସ୍ ବାହାର କରିପାରିବା। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଆମେ ଏମିତି ବଡ଼ ଟେବୁଲ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କାଲକୁଲେଟର ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ କାଲକୁଲେଟରରୁ ବି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଶିଖିପାରିବା। ଯେମିତିକି ମନେକର 30 ଡିଗ୍ରୀର ସାଇନ୍ କେତେ, 30 ସାଇନ୍ ତାହେଲେ 0.5। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଏ ଟେବୁଲରେ 30 ଡିଗ୍ରୀର ସାଇନ୍ ହେଉଛି 0.5। ତେବେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କୋଣ ପାଇଁ, କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ୟାମିତି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଏଠି ବାହାର କଲେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସାଇନ୍ କସ୍ ସବୁ ବାହାର କରିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଥରେ ଯଦି ଆମ ପାଖେ ଟେବୁଲ ଅଛି ବା ଆମ ପାଖେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟର ଅଛି ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ମନେକର କହକି 42 ଡିଗ୍ରୀର ସାଇନ୍ କେତେ। ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା, ସେମିତି ଆମେ ଯେକୌଣସି କୋଣ ପାଇଁ ସାଇନ୍ କସ୍ ଟ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଆମେ ହିସାବ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ତାହାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଶିଖିବା।